करने वाले राजकुमार आज खुद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, जो कि 15th मुंबई फिल्म फेस्टिवल के जज बने। तो राजकुमार कैसा लग रहा है जज बनकर, बच्चों को जज कर? बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंज भी है। आई डोंट नो, मैं अपने आप को इस काबिल भी समझता नहीं कि मैं जज कर पाऊँ किसी को, बट फिर भी थैंकफुल टू मामी फेटर्निटी, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं शुजी सरकार जैसे बहुत सारे और टैलेंटेड लोगों के साथ मैं जूरी का हिस्सा बन पाया। 20 movies, 20 short movies, तो उसमें से कौन सा आपका फेवरेट रहा, आपने जज किया? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन सी फेवरेट रही, क्योंकि वो तो मैं डिसीजन आउट कर दूंगा, वो तो आपको वेट करना पड़ेगा 24th का क्लोजिंग सेरेमनी का। पर कुछ फिल्म थी जो बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत मूव किया उसने मुझे एज एन एक्टर, एज एन ऑडियंस। और 5 मिनट में सिर्फ इतनी अच्छी स्टोरी कह जाना, इतने टेक्निकली इतनी स्ट्रांग होना, इट्स कमेंडेबल। फर्स्ट टाइम आप जज बने, तो कैसा लग रहा है जज बने? अभी लॉयर बना था लास्ट फिल्म, अभी जज बन गया हूँ। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी फिल्म्स देखने का मौका मिलता है अलग से एक एसी रूम में बैठ के, तो इट फील्स ग्रेट एंड देन यू डिस्कस फिल्म्स, आई थिंक अमेजिंग। कायपोचे में भी आपको ना काफ़ी तारीफें मिली, आपके डायरेक्टर अभिषेक ने आपकी तारीफ की थी, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, मतलब लोगों को काम पसंद आता है। और गट्टू सर ने तारीफ की, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, हम सबको पता है, बहुत ही टैलेंटेड है। तो आप मेहनत से बहुत काम करते हो, बहुत प्यार से फिल्म बनाते हो, फिर लोग अगर उसको पसंद कर रहे हैं तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट उनको बहुत इससे अच्छी खुशी नहीं हो सकती। आगे की आपके क्या प्लानिंग्स है, कौन कौन सी मूवीज़ आपके आने वाले? कुछ आगे अभी क्वीन एक फिल्म है जो आ रही है फरवरी में, उसमें मैं और कंगना है, फिर मैं महेश भट्ट जी के साथ एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ। दिवाली काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो आप बताना चाहेंगे दिवाली किस तरह से मनाते हो? दिवाली मैं बहुत सिंपल वे से मनाता हूँ, मैं अपने घर में पूजा करता हूँ, थोड़ी मिठाई खा लेता हूँ और लोगों के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ बैठ के गपशप मारते हैं। कैमरामैन शिवम के साथ मीना चांद, बॉलीवुड नज़र, मुंबई।